गोड्डा से कांग्रेस ने दीपिका पांडे सिंह का पत्ता काटकर प्रदीप यादव को उम्मीदवार बनाया। तो वही इसे लेकर उम्मीदवार बनाया तो लेकिन निशिकांत दुबे ने अपनी बात दोहराते हुए फेसबुक पर एक पोस्ट किया है। वादे के मुताबिक निशिकांत दुबे ने लिखा कि वो अब प्रदीप यादव के खिलाफ प्रचार नहीं करेंगे। निशिकांत ने तंज कसते हुए लिखा कि भ्रष्टाचार के आरोपी के खिलाफ वो कोई प्रचार नहीं करेंगे। निशिकांत का यह पोस्ट वायरल भी हो रहा है तो दूसरी तरफ गोड्डा का सियासी मौसम भी गर्म हो रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। गोड्डा में निशिकांत दुबे से बाजी जीतने के फिराक में नहले पर दहला मारने के चक्कर में कांग्रेस ने दीपिका पांडे सिंह के रूप में अपनी रानी का पत्ता फेंका था, लेकिन ताश के पत्ते में शामिल कई गुलाम और बादशाह मुंह बिटकाकर खेल बिगाड़ने की धमकी देने लगे तो कांग्रेस ने पूरी ताश को फेंट दिया और बादशाह के तौर पर प्रदीप यादव का पत्ता सामने कर दिया। प्रदीप यादव का नाम सामने आते ही खुद को गोड्डा का इक्का मान चुके निशिकांत दुबे ने वादे के मुताबिक प्रदीप यादव के खिलाफ चुनाव प्रचार ना करने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर निशिकांत दुबे ने लिखा कि आज से मेरा प्रचार बंद, अब केवल चाय, खाना, नाश्ता और क्रिकेट, बलात्कार के आरोपी के खिलाफ कोई प्रचार नहीं। गोड्डा से हैट्रिक लगा चुके निशिकांत दुबे का ये कॉन्फिडेंस यूं ही नहीं है। निशिकांत दुबे का कहना है कि प्रदीप यादव को 3 बार धूल चटा चुके हैं, चौथी बार जीत कर चौका जमाने के लिए उन्हें पसीना बहाने की भी जरूरत नहीं। 2002 के गोड्डा लोकसभा उपचुनाव में प्रदीप यादव बीजेपी के टिकट पर पहली बार संसद पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद दोबारा कभी देश की संसद का मुंह नहीं देख सके। 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के फुरकान अंसारी बाजी मार गए। 2009 में एंट्री हुई निशिकांत दुबे की, बीजेपी ने प्रदीप यादव का टिकट काटकर निशिकांत को गोड्डा भेजा। प्रदीप यादव भी चुनावी दंगल में कूद गए। निशिकांत पहली बार में ही कमाल कर गए। 2009 का इतिहास 14 और 19 में भी दोहराया गया। 2014 के चुनाव में निशिकांत दुबे ने कांग्रेस के फुरकान अंसारी को हराया। निशिकांत को 3,80,500 वोट मिले, फुरकान अंसारी को 3,19,818 वोट मिले। प्रदीप यादव तीसरे स्थान पर रहे। 2019 में प्रदीप यादव बाबूलाल मरांडी की JVM से उम्मीदवार थे। निशिकांत दुबे को 6,37,610 वोट मिले, प्रदीप यादव को 4,53,383 वोट मिले। निशिकांत ने 1,84,297 वोट से मैदान मारकर प्रदीप यादव को तीसरी बार हराया। अब चौथी पर निशिकांत दुबे के सामने प्रदीप यादव की चुनौती होगी। दीपिका का नाम सामने आया था तो प्रदीप यादव और फुरकान अंसारी का खेमा सड़कों पर बवाल काट रहा था। जब दीपिका पांडे का पत्ता कटा, इधर पिता फुरकान अंसारी को टिकट नहीं मिला तो बेटे विधायक इरफान अंसारी कह उठे कि यह सब अच्छा नहीं हो रहा है, कांग्रेस कब, कैसे और क्या अच्छा होगा ये किसी को नहीं पता। गोड्डा में 15,90,000 वोटर हैं, इसमें 8,25,000 पुरुष और 7,64,000 महिला वोटर हैं। गोड्डा लोकसभा सीट पर पिछड़ी जातियां और मुस्लिम निर्णायक हैं। यहां 11% SC और 12% ST वोटर हैं। पिछड़ी जातियों पर पकड़ के कारण बीजेपी का यहां दबदबा रहा है। इन्हीं समीकरणों के दम पर निशिकांत दम दिखा रहे हैं। हालांकि ये समीकरण नहीं बदलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। TV45 की ब्यूरो रिपोर्ट। गोड्डा में कांग्रेस ने खेला किया और दीपिका पांडे सिंह से टिकट छीनकर प्रदीप यादव को उम्मीदवार के रूप में सामने लाया तो इस पर निशिकांत दुबे ने भी चुटकी ली। इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ बने हुए हैं। रजनीश, अगर बात करें, देखिए गोड्डा से कांग्रेस ने प्रत्याशी बदला और प्रदीप यादव को सामने लाया, लेकिन कहीं ना कहीं निशिकांत दुबे ने इस पर चुटकी ली है और इन्होंने ये भी कहा है, उन्होंने वादा किया था कि अगर कांग्रेस प्रदीप यादव को सामने लाती है वो तो चुनाव प्रचार बंद कर देंगे। तो फिलहाल इतना कॉन्फिडेंस जिस तरीके से निशिकांत दुबे का सामने आ रहा है, क्या कोई जानकारी है आपके पास?
बिल्कुल अंकिता, सांसद महोदय ने पहले ही आज से तकरीबन मुझे लगता है 20-25 दिन पहले हमारे यहाँ खबर भी चली है, उन्होंने बयान दिया था कि अगर गुड्डा लोकसभा सीट से जेएमएम अपना कैंडिडेट उतारती है या फिर कांग्रेस से प्रदीप यादव को टिकट मिलता है तो इन दोनों परिस्थितियों में जो है वो अपना चुनाव प्रचार बंद कर देंगे और पूरा चुनाव प्रचार का काम जो है सिर्फ उनके कार्यकर्ता संभाल लेंगे। और जैसा कि पहले यहाँ दीपिका पांडे को मिला टिकट, उसके बाद काफी विवाद गहराया और अंततः फिर से दीपिका पांडे सिंह का टिकट कटा और प्रदीप यादव को मिला। प्रदीप यादव को टिकट मिलने के महज कुछ ही घंटे के बाद सांसद महोदय ने जो अपना वादा किया था उसी वादा के अनुसार फिर से पोस्ट भी किया कि अब मैं चुनाव का प्रचार बिल्कुल बंद कर दूंगा और कार्यकर्ता ही पूरा ये जो चुनाव का कार्य है जो वो संभालेंगे। कॉन्फिडेंस इसलिए भी इनका बढ़ा हुआ है नितिकांत जी का, क्योंकि तीन बार यहां से प्रदीप यादव जी जो है चुनाव लड़े हैं और वो हारे हैं, बुरी तरह से हारे हैं। इनके पास मुद्दा कुछ नहीं है, जिस तरह से उन्होंने पहले ही कहा था निशिकांत जी ने कि प्रदीप जी के पास कोई मुद्दा नहीं होगा, वो किन मुद्दों को लेकर के चुनाव मैदान में उतरेंगे। उन्होंने जो यहाँ पर डॉक्टर निशिकांत ने जो यहाँ काम किया है उनका विकास ही बोल रहा है और विपक्ष जो है पूरी तरह से मुद्दा विहीन है और कई तरह के गंभीर आरोप भी है प्रदीप यादव पे। देखिए अगर मैं बात करें हम तो निशिकांत दुबे कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं या फिर कह ले उन्होंने पहले ही वादा किया था कि जब दीपिका पांडे सिंह का नाम भी सामने नहीं आया तो उसके पहले उन्होंने ये वादा किया था कि अगर प्रदीप यादव सामने आते हैं तो प्रचार नहीं करेंगे। अब उनका कहना है कि उनके कार्यकर्ता ही संभालेंगे तो ऐसे में सीधा हमला दर्शाता है। क्या निशिकांत दुबे अब प्रदीप यादव पर लगे आरोपों को लेकर प्रचार करेंगे? क्योंकि निशिकांत दुबे का बयान की बात करें तो उन्होंने सीधे तौर पर ये पोस्ट किया है, कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। बिल्कुल अंकिता, देखिए इनका कॉन्फिडेंस लेवल इसलिए ही बढ़ा हुआ है क्योंकि पिछले ही चुनाव के दौरान ही कांग्रेस पार्टी की ही उस समय जेबीएम से इन्होंने टिकट मिला था प्रदीप यादव ने और उस समय जेबीएम की ही एक महिला कार्यकर्ता जो है उनपे छेड़खानी का और गंभीर आरोप जो है वो लगाया था। वो मामला अभी भी चल रहा है, उसकी सुनवाई भी कोर्ट में चल रही है। तो जिस तरह से और भी कई संगीन आरोप प्रदीप यादव पर है तो इसलिए ये कॉन्फिडेंस लेवल जो है भाजपा के जो उम्मीदवार है डॉक्टर निशिकांत उनका और भी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि विपक्ष में जो भी कैंडिडेट जो आए हैं प्रदीप यादव आए हैं वो कई मुद्दों में अपने आप में घिरे हुए हैं। उन्होंने क्षेत्र के लिए अब तक कोई काम नहीं किया तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो जाहिर सी बात है जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहा, मुद्दा वहीन रहेंगे और सांसद ने 15 सालों में यहाँ कई विकास की गाथा लिखी है तो कॉन्फिडेंस लेवल। देखिए रजनीश, एक और बात है, अगर हम बात करें प्रदीप यादव की ही तो देखिए आपने जैसे तौर पर बताया कि उन्हें निशिकांत दुबे के सामने जब खड़े हुए तो तीन बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार वो कांग्रेस के टिकट पे वो चुनाव लड़ने वाले हैं। तो एक कह सकते हैं कांग्रेस का वोट बैंक अलग है, पारंपरिक वोट बैंक है कांग्रेस के पास, तो क्या इसका फायदा मिलेगा प्रदीप यादव को? देखिए मैम अंकिता, पहले भी कांग्रेस यहाँ पे टिकट दे चुकी है और फुरकान साहब जो है वो यहाँ पे लड़े हैं। 2009 में जब पहली बार निशिकांत दुबे इस क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी बने थे तो उस समय उनके सामने कांग्रेस ने प्रत्याशी दी थी और उस समय फुरकान अंसारी थे कांग्रेस के प्रत्याशी, तो उस समय कांग्रेस यहाँ पर हारी थी, इसलिए भी इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ है कि कांग्रेस भी यहाँ से हार चुकी है, विपक्ष में जेबीएम थी वो भी इनसे हार चुकी है। तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने का जो वजह कह सकते हैं वो पूरी तरह से प्रत्याशी पर ही डिपेंड था इनका और इस प्रत्याशी को कांग्रेस ने प्रदीप यादव को जो पुनः टिकट दे दिया है तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है इनका दुगुना हो गया है और ये कॉन्फिडेंस है कि इनकी जीत जो है सुनिश्चित है और 9 लाख का जो ये नारा दे रहे हैं वो कह भी रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि वो 9 लाख जो है आराम से वो सिर्फ कार्यकर्ता के भरोसे ही पार कर जाएंगे। जी रजनीश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश, लेकिन इसी खबर पे और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं झारखंड स्टेट है राकेश जी, उनके पास रुख करेंगे। देखिए राकेश जी, गोड्डा में कैसे थे, पूरी तरीके से परिवर्तन हो गया कांग्रेस की ओर से, अब दीपिका पांडे सिंह नहीं बल्कि अब प्रदीप यादव वहां से कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे में राजनीति जिस तरीके से सरगर्मी बढ़ी है निशिकांत दुबे को लेकर, वो चुटकी लेते हुए नजर आ रहे हैं, कभी पोस्ट कर रहे हैं चुनाव प्रचार बंद करेंगे, फिलहाल आपके पास क्या कुछ अपडेट है? देखिए निशिकांत दुबे निश्चित तौर से काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से पहले भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि अगर प्रदीप यादव वहां से चुनाव लड़ेंगे तो प्रचार भी नहीं करेंगे, ऐसी स्थिति बनाने की कोशिश की जाएगी क्योंकि उनकी जीत सुनिश्चित है। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि निशिकांत दुबे जिस तरीके से उस इलाके में काम किया है और जिस तरीके से उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है उसमें उनकी भूमिका जिस तरीके से हुई है
उसका फायदा तो उन्हें जरूर मिलेगा, लेकिन चुनाव का वक्त है, चुनाव में कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिसको लेकर चर्चा की जाती है। निशिकांत दुबे जिस तरीके से दावे कर रहे हैं वो तो सही है, लेकिन चुनाव में हो सकता है कि प्रदीप यादव भी कहीं ना कहीं अपने पूरे चीजों को लेकर उतरने की तैयारी में है और उनको अपने जातिगत समीकरण के तहत और बाकी चीजों का भी वोट मिलेगा। ऐसे में अब चुनावी चक्कर तो होना ही होना है, लेकिन निशिकांत दुबे पूरी तरह से आश्वस्त हुए हैं और सोशल मीडिया पे लगातार ट्वीट के माध्यम से तमाम चीजों को सामने रखने की कोशिश। जी राकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे साथ झारखंड स्टेट हेड राकेश जी। देखिए गोड्डा से अगर बात करें तो गोड्डा से कहीं ना कहीं कांग्रेस ने बिल्कुल ही परिवर्तन कर दिया, फेरबदल किया गया। अब दीपिका पांडे सिंह वहां से कांग्रेस के कोटे से नहीं चुनाव लड़ेंगी, बल्कि प्रदीप यादव का नाम सामने आया। लेकिन प्रदीप यादव को लेकर निशिकांत दुबे जो कि बीजेपी की ओर से लोकसभा के प्रत्याशी हैं, उन्होंने सीधे तौर पर अब ये कहा है कि अगर प्रदीप यादव मैदान में हैं तो वो उनके खिलाफ चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, वो एक आरोपी के खिलाफ प्रचार नहीं करेंगे। सीधे तौर पर उन्होंने लोकसभा के प्रत्याशी प्रदीप यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए। अब उनका ये देखने वाली बात होगी कि अब इस पर किसे फायदा मिलता है, क्या बाजी मारते हैं प्रदीप यादव या नहीं, या फिर चौथी बार भी निशिकांत दुबे जीत दर्ज करते हैं या फिर नहीं।